गिरिडीह में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उपस्थित पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। सिंह के उपस्थित थाना प्रभारी कमल पासवान के नेतृत्व अवैध रूप से संचालित मिनी देसी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। वह मौके से हजारों लीटर देसी शराब जमा हुआ और शराब तैयार करने वाले बताया कि बड़ी कार्रवाई है और आगे भी थाना क्षेत्र का है जो जंगल है और झीलिंग टाँग बस्ती है उसके घने जंगल में जहाँ की जाने का रास्ता भी नहीं है, तो ये फॉरेस्ट का एरिया है और यहाँ इन लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े ड्रम होंगे, करीब 10 टन से ज़्यादा जावा महुआ है, करीब 2000 लीटर से ज़्यादा लीटर बरामद किया गया है और ये इनका तैयारी थी कि अभी आगे आने वाला त्यौहार है इतना जैसा मिला है कि इसको गिरिडीह के आसपास के क्षेत्रों में बेचने का था और ये जो बिल्कुल जहरीला होता है मानव लाइफ के लिए थ्रेट है, इसमें एक बड़ी घटना भी घट सकती थी जिसको रोका गया है।